श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दोस्तों आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं। लगभग पिछले सभी वर्षों से लगातार ये जयंती मनती आ रही है, लेकिन हमें पता है कि इस जयंती का उद्देश्य क्या है। क्या इस जयंती का उद्देश्य है कि दूसरे धर्म के लोग अलग त्योहार मनाते हैं, जैसे कोई दीपावली मनाता है, कोई होली मनाता है, तो उसका एक मैंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया कि 14 अप्रैल मनाए। या इस 14 अप्रैल का ये उद्देश्य है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम एक उनके लिए एक जयंती आयोजन करते हैं। मेरे विचार से ये दोनों उद्देश्य नहीं है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को मनाने का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती का उद्देश्य है कि हर घर से अम्बेडकर वादी पैदा हो, हर घर से ऐसे व्यक्ति पैदा हो जो अम्बेडकर की जानकारी को रखते हैं। और आजकल अम्बेडकर वादी भी आपने देखे होंगे, तथागत अम्बेडकर वादी, अगर अम्बेडकर वादी कुछ लोग मैंने देखे हैं, अगर हमें नॉलेज है वो क्या करते हैं, अगर अम्बेडकरदारी बनने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी होने का मतलब ये नहीं है, अम्बेडकर हमें उन अम्बेडकर को मानना है जिन्होंने लगभग 22 डिग्रियां हासिल की थी। हमें उन अम्बेडकर को मानना है जो लगभग 14 विषयों में उन्होंने मास्टर हासिल की थी। हमें उन अम्बेडकर को मानना है जिनने लंदन इकोनॉमिक्स की डिग्री, 8 वर्ष की पीएचडी की डिग्री होती उसे 2 वर्ष 3 माह में पूरा कर लिया था। हमें उन अम्बेडकर को मानना है जिनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था और जब वो संसद में बैठे थे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो उनके प्रश्नों और उनके जो तर्क होते थे उनका जवाब दे पाए। कोई भी संविधान सभा में इतना व्यक्ति नहीं था जो उनके जवाबों का प्रश्नों का उत्तर दे पाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आपको लगातार लोग कहते रहेंगे कि संविधान तो बहुत लोगों ने बनाया है, संविधान में सभी लोगों का हाथ है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो मेन कमेटी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति में जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्य लगभग निष्क्रिय हो चुके थे और अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही संविधान का निर्माण किया था। और डॉक्टर हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से समझना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित के लिए कहा कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। लेकिन क्या हमने शिक्षा अर्जित की और हमारा समाज शिक्षित भी हुआ, लेकिन उन व्यक्ति को भूल गया जिनके कारण वह ऊंचाई पर फर्श से अर्थ तक पहुंचा है। हमारा समाज संगठित नहीं है, एक हमारा समाज संघर्ष कर रहा है, पिछले वर्षों से संघर्ष कर रहा है और आज भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो संघर्ष को सही दिशा और दशा नहीं मिल पा रही है। संगठित की बात की जाए तो हम ले कहते हैं 85% है हम, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, क्या वो हमारे साथ हैं? उनकी बात को समझना पड़ेगा, क्या वो 85% हम हैं? यही भूल करते हमें अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाना होगा। आज सबसे बड़ी मैंने शुरू में कहा था कि संघर्ष के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जो युवा है आज सबसे ज्यादा युवा ही इस काम में निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर भी देखिए, जहाँ तक सभी लोग वरिष्ठ लोग देख रहे हैं, युवाओं की भागीदारी बहुत ही कम देखने को मिल रही है, क्योंकि युवा और अभी यहाँ तो शिक्षित लोग हैं, अब गांव में जाकर देखिए, गांव में ऐसे युवाओं की स्थिति हो गई है, लगभग हमारी आबादी का 60% व्यक्ति गाँव में निवास करता है और गांव में लगभग 50% व्यक्ति नशे का आदि हो चुका है और नशे ने इस तरह से इन्हें जकड़ा है कि उनकी सोचने की क्षमता है तो क्षमता खत्म हो गई है। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। मिशन से एक भी व्यक्ति नशा को छोड़ देता है या नशा को नहीं अपनाता है तो एक कार्यक्रम सफल माना जाएगा। और मैं दुष्यंत कि हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ये दीवार जो परमों की तरह हिलने लगी है, मेरी कोशिश है कि बुनियाद हिलनी चाहिए।
हर नगर हर गांव हर शहर से हाथ हिलाती इकलास चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही मगर तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया गौतम जी के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की है, हमारे समाज को